मैं अपनी जगह से हिलना नहीं। सब जेवरात और पैसे निकालकर इस मेज पर रख दो, वरना जिस बच्चे का जन्मदिन मनाया जा रहा है ये आज उसका आखिरी जन्मदिन होगा। नहीं। चलाओ। खबरदार जो किसी ने बंदूक उठाने की कोशिश की। इंस्पेक्टर, गिरफ्तार कर लो इसे। तुमने मेरी एक आंख फोड़ी है ठाकुर, तुम्हें अपनी दोनों आंखों के साथ जान से भी हाथ धोना पड़ेगा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा ठाकुर, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा ठाकुर, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मेरी एक आंख फोड़ी है, तुझे दोनों आंखों के साथ साथ जान से भी हाथ धोना पड़ेगा। नहीं छोड़ूंगा ठाकुर, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। ये क्या, मंदिर नहीं जाना? ऐसे क्या देख रहे हैं सावित्री? हमारी शादी को 20 साल हो गए हैं, लेकिन आज के दिन तुम मुझे मंदिर ले जाना कभी नहीं भूलती। जिनकी वजह से मेरा ये सब कुछ है उनको मैं कैसे भूल सकती हूँ? अब देर ना करें, चलिए। चलो। आज तुमने टांग अड़ाई है 144, फिर ना रोना कभी, नहीं तो उसे काट कर तुम्हारी गर्दन के साथ बांध दूंगा। तूने भी आज जवान लड़ाई है छोकरे, दोबारा नहीं लड़ाना, वरना इसे जबाड़े में से निकाल कर चीर और कौवों को डाल दूंगा। हाँ। तुम जानते नहीं मेरा नाम शक्ति सिंह है, और शक्ति सिंह जिस जेल में जाता है वहां का जेलर या तो इस्तीफा दे देता है या किसी दूसरी जेल में तबादला करवा लेता है। हमारा रिकॉर्ड भी कुछ तुमसे बुरा नहीं है, हम भी जिस जेल में जाते हैं जेलर की हुकूमत सिर्फ जेल के दफ्तर में होती है, जेल के अंदर हुकूमत शमशेरा की चलती है। हर कैदी को हदायत है कि जब भी शमशेरा के सामने से गुजरे पहले झुक के सलाम करे और फिर आगे बढ़े। और हमारे सर को शमशेरा ना ही झुकने की आदत है ना ही सलाम करने की, तुम में इतनी ताकत है तो इसे झुका के दिखा दे। मैं इसे झुकाकर भी दिखा दूंगा और काट कर भी दिखा दूंगा। शमशेरा, शमशेरा, तुम 7 साल के लिए जेल में आए थे, लेकिन इन्हीं खूनी उबालों की वजह से तुम्हारी सजा 7 साल से बढ़कर 14 साल हो गई, और फिर 14 साल से 21 साल। कल तुम्हारी रिहाई का दिन है, कहीं ऐसा ना हो कि रिहाई का मुंह देखने के लिए फिर तुम्हें बरसों लग जाए। शमशेरा ने पहली बार अकल की बात सुन भी ली और मान भी ली,
नौजवान जाओ, तुम्हारी किस्मत अच्छी है। छमिया रुक जाओ। ले चलो। पहचाना मुझे? मौत को सामने देखकर भी नहीं पहचानते? शमशेरा, मैंने तुम्हारा दिया हुआ यह जख्म अपने सर आंखों पर रखा है। बरसों जेल में पत्थर तोड़े हैं ताकि जिस दिन तुमसे मुलाकात हो तुम्हारा हिसाब चुकता कर सको। आज वो दिन आ गया है ठाकुर, इसे पहचानते हो? ये खड्डा मैंने तुम्हारे लिए ही खोद कर रखा है। जो दूसरों के लिए खड्डा खोदता है वो खुद उसी में आकर गिरता है। जिन बच्चों के अभी दूध के दांत भी ना टूटे हों, उन्हें इस तरह उछलकर मर्दों की तरह बात नहीं करनी चाहिए। मर्द तो मैं हूं, वो भी असली, और बेटा भी मर्द का। कहो तो मर्दानगी के दो चार नमूने पेश करूं? चलो। लगता है कि तुम्हें पहले कहीं देखा है। जरूर देखा होगा। लो, बहादुर भी हाँ कह रहा है। अच्छाई बुराई की मुलाकात तो हर युग में होती है, फिर वही होता है जो हमेशा से होता आया है। बच्चे, हम कोई मामूली बला नहीं। जहाँ बुराई खत्म होती है हम वहां से शुरू होते हैं। अगर तुमने मां के पेट में ही सुन लिया होता कि हमारा नाम राजा शमशेर सिंह उर्फ शमशेरा है तो शायद तुम पैदा होने से ही इंकार कर देते। फिर तो गया खड्डे में। क्या मतलब? मुलाकात तो होनी थी, विदाता के लिखे को कौन मिटा सकता है। रावण था तो राम थे, कंस था तो कृष्ण थे, दुर्योधन था तो धर्मपुत्र थे, राजा है तो रवि है। थोड़ी देर में दुनिया कहेगी कि रवि था और राजा है। हमने बड़े बड़े कर्मवीर देखे, धर्मवीर देखे, परमवीर देखे, शूरवीर देखे, लेकिन शब्दवीर पहली बार देखा। हमने भी बड़े बड़े राजा देखे, गलियों का राजा देखा, सड़कों का राजा देखा, भिखारियों का राजा देखा, लेकिन आज पहली बार कब्रिस्तान का काना राजा देख रहा हूं। देखो मिस्टर कण्या, मारा मारी से पहले एक शर्त है। जो खड्डे में पहली बार गिरेगा वो अपने हाथों से मिट्टी समेट कर अपने आप को दफन कर लेगा। मंजूर?
मुझे मंजूर है। दूसरों के लिए खड्डा खोदता है वो खुद उसी में गिरता है। चल डाल मिट्टी। बेटा इसे माफ कर दो। चल आज तुझे माफ किया, ये तेरी पहली गलती थी। और एक बात सुन ले, अगर बुराई तेरा कर्म है तो अच्छाई मेरा परम धर्म है।